ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി ധമ്മപദ് ഗാഥ കഥ നമ്പർ 142 या 142। संतति नाम था उस प्रधानमंत्री का, क्योंकि जितने भी राजघराने हुए हैं उनमें जो महामत्त होता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, संस्कृत भाषा में महामात्य बोलते हैं। महा माने बड़ा और मत्त माने जो मात्रा को जानता हो। वैसे मत्त माने मस्त भी होता है, क्योंकि मत्त का दोनों ही है, जो महामंत्री होता है प्रधानमंत्री होता है वो मस्त भी हो सकता है और वो मात्रा को स्थिति को जानने वाला भी हो सकता है, दोनों ही पाली के अंदर आते हैं। मत्त माने मस्त भी है और मत्त माने मात्रा जानने वाला, मत्तयु भी बोलते हैं जिसको, जो मात्रा का ज्ञान जानता है यानी कि परिस्थिति को जानता है, तो महामत्त उसी से बोलते हैं या महामात्य। बाद में इसको महामंत्री करके बोला गया, जो मंत्रणा करता है ऐसा करके इसको बोला गया, मगर पाली में मंत्रणा का मतलब नहीं है। पाली में मतलब है महामत्त, महामत्त का मतलब है जो मात्रा को जानता हो, क्वांटिटी को जानता हो कि कब कितनी क्वांटिटी किस चीज के लिए बेहतर है, एक तरह से परिस्थिति का मात्रा जानने वाला विशेषज्ञ हो गया। तो ये उसी की कहानी है, कहानी बहुत मजेदार है। जो पसंदी थे राजा, उनका जो महामात्य था संतति, उसने एक बार एक असाध्य यानी कि जो साध्य करने में, जो सिद्ध करने में, सफल करने में काम बड़ा मुश्किल था, उस काम को किया। उस काम को करने से राज्य में बड़ी शांति हुई, सुख हुआ, राज्य बड़ा अच्छा हुआ। तो राजा पसंदी ने उसे इनाम में बड़ा सारा पैसा और उसे कुछ छुट्टियां दे दी कि ताकि वो मदमस्त हो, अपना जीवन को सुचारू रूप से चला सके। राजा पसंदी तो धम्म के जानकार थे और वो धम्म में रत रहते थे और विपसना साधना करते थे, मगर जो संतति था वो अपने नशे में पूरी तरह से चूर था, यानी कि अगर महामत्त कहें तो वो महामस्ती था पूरी तरह से। तो उसने वहां नर्तकियां, डांसर, पार्टियां, शराब और हुड़दंग पूरा उसने वहां जमघट लगा लिया, क्योंकि पैसा उसको मिला इनाम में बहुत सारा और वैसे भी वो महामत्त था। और वो इतना ज्यादा नशे में और इन सब चीजों में हो गया कि उसे होश नहीं रहा। जब वो ज्यादा इसमें रम गया तो एक दिन वो देखता है कि एक नर्तकी जो डांस कर रही है वो पूरी तरह से नाच रही है और सबका दिल जीत रही है, और दिल जीतते जीतते क्योंकि वो बहुत ज्यादा जोर से नाच रही थी, नाचते नाचते उसका हार्ट फेल हो गया और वो वहीं हैंड स्पॉट एट द स्पॉट मर गई। ये देख के जो संतति था उसका सारा नशा उड़ गया, हिरन हो गया, क्योंकि कहां तो इतना बढ़िया दिलकश नजारा चल रहा था, चारों तरफ रंगरेलियां चल रही थी, और कहां ये रंग में भंग पड़ गया और ये मर गई। उसने देखा कि जिस नर्तकी के लिए, जिसके लिए सभी लोग लालायित थे और सभी लोग उसको बाहों में भरने के लिए तैयार थे, उसके साथ नाचने को तैयार थे और मौज मस्ती करने को तैयार थे, वो सभी लोग भय से कांपने लगे। वो खुद उसके हाथ पैर भी उसकी डेड बॉडी को देख के कांपने लगे। अब उस जो नर्तकी थी उसको छूने का उसका मन नहीं हुआ, क्योंकि वो डेड बॉडी हो गई, लाश हो गई, तो उसको कैसे छुए। अब उसको छूने से भी डर लेने लगा, कहां तो वो उसके सौंदर्य के, उसके रूप के पिपासे थे, प्यासे थे, उसको छूने के लिए मचले थे, और कहां अब उसके छूने से वो घबराने लगे। इस स्थिति ने नशा तो उड़ाया ही उड़ाया, उसका होश भी वापस किया। उसको समझ में आया कि यहां तो कुछ भी नित्य नहीं है, मेरा इतना संसाधन, इतना सारा कुछ पैसा, ये सब मैंने कर रहा हूं, ये नित्य नहीं है। एक सेकंड में ये बदल गया, अनित्य हो गया, खत्म हो गया। ये देख के उसके अंदर धम्म संवेग बहुत तेजी से उथल पुथल हुई, धम्म संवेग जागा, धम्म संवेग जागा, तो उस पर रुका नहीं गया और वो तुरंत ही भगवान बुद्ध की शरण में जाने के लिए चल पड़ा। असमय वहां पहुंचा, भगवान बुद्ध वहां थे, उन्होंने उसकी स्थिति को देखा, भाला जाना समझा, और सारा कुछ समझने के बाद में उसको धम्म की देशना दी, उसको धम्म सिखाया, उसको शांति हुई, वो धम्म में आया, धम्म ने उसको सहारा दिया, धम्म ने उसको बचाया, धम्म ने उसका भय दूर दूर किया। और जो गाथा उस समय कही वो इस प्रकार है। ये गाथा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें दो तीन शब्द बहुत कमाल के हैं, आप इसे पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा इसलिए है क्योंकि इसमें समणाकार वमणा का जिक्र है। अलंकतो चेपी समंग चरे संतो दंतो नियतो बहिचारी। ये बहिचारी जो शब्द है इसको ब्रह्मचारी भी बोल सकते हैं, पाली में ये बहिचारी है, वैसे इसको ब्रह्मचारी संस्कृत भाषा में, क्योंकि आधा रे पाली के अंदर नहीं होता। शब्देशु भूतेशु निधाय दंडन सो बहिमणो सो समणो स भिक्कू। इसमें जो बहिमणो और जो समणो शब्द है, बहिमणो को संस्कृत भाषा में ब्राह्मण बोलते हैं। तो अलंकतो चेपी समंग चरयंग,
अलंक का तो माने होता है जो अलंकृत है, यानी जिस पे अलंकार लगा हुआ है। क्या अलंकार लगा हुआ है? जैसे कोई आदमी डॉक्टर है, कोई आदमी इंजीनियर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई काउंसलर है, कोई किसी तरह का कोई सभासद है, या कोई पुलिस में है, या कोई कमांडर है, या कोई मिलिट्री में है, या कोई वैद्य है, या कोई दुकानदार है, या कोई मजदूर है। ये उसके अलंकरण है, यानी कि जो उसका बताते हैं कि ये क्या चीज़ से विभूषित है, किस काम में ये पारंगत है और क्या काम वो करता है। बेसिकली वो काम को बताते हैं और काम के लेवल को बताते हैं, तो ये अलंकार हैं। तो अलंकतो चेपी समंग चरयंग, यानी कि जो अलंकार वाला है, चेपी माने यदि भी, समंग माने होता है शांत, या समंग माने होता है समान बराबर, और चरे माने जो चरे के योग है करे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलंकार युक्त है, यानी कि जिसके पास पोजीशन है, जो पोजीशन होल्डर है, जो किसी पद पर है, वो पद पर रहते हुए भी क्या कर सकता है? शांति का काम कर सकता है, समता की चर्या कर सकता है, यानी शांत कर सकता है, समता की चर्या कर सकता है, समता का प्रैक्टिस कर सकता है, सबको समान रूप से देख सकता है। अगर कोई महामंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो वो क्या कर सकता है? सारी जनता को समानता से देख सकता है, शांति से देख सकता है। संतो दंतो नियतो वहीचारी, संतो माने होता है जो शांत होता है और जो निश्चित होता है, उसको संतो बोलते हैं। दंतो मानो जिसने संयम किया हुआ है, अपने आप को संयत किया हुआ है, उसको संयत वाले को बोलते हैं, यानी कि जो शांत है, जो संयत है। नियतो का मतलब है जो बिल्कुल स्थिर है, यानी कि किसी को देख के अस्थिर नहीं होता, अस्थिर नहीं होता किसी को देख के, हमेशा सबके लिए स्थिर रहता है, एक सा रहता है। बहिचारी, बहिचारी का मतलब है जो बाहर वाली चर्या करता है, जो बाहर काम करता है। बही माने बाहर और चर्या माने जो उसकी काम करने का, यानी जो बाहर की जितनी भी चर्या है उनको वो समानता से देखता है। सभ्यसु भूतेसु निधाय दंडन, सभ्यसु का मतलब है सब में, भूतेसु माने हैं प्राणियों में, और निधाय माने हैं एक तरफ रखकर या हटाकर या गड़वाकर। दंडन यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें, जितने भी प्राणी हैं उनमें जो दंड है, जो क्रूरता है, जो क्रोध है, उसको एक तरफ रखकर, साइड को रखकर। सो बहिमणो सो समणो से भिक्कू, यानी वह बहिमण है, वह समण है, और वह भिक्कू है, यानी कि वह समण है, वह बमण है, और वह निज क्या है? भिक्कू है। निज का मतलब स्वयं में क्या है? भिक्कू है। इसमें जो ये शब्द आ रहा है, स वमणो, सा वमणो, सा समणो, और स भिक्कू, ये जो इसमें शब्द आता है, या सो वमणो, सो समणो, और स भिक्कू। सो का मतलब होता है वह, और सा का मतलब होता है स्त्री के लिए आता है सा। बेसिकली ये हर जगह पाली में इस्तेमाल किया गया है, ऐसा ही शब्द लिया हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको लिखा है उन्होंने इसको ब्राह्मण करके लिखा हुआ है, और ये भगवान बुद्ध क्योंकि समण को बोलते हैं समणो, तो वमण को बोलते हैं वमणो। ये वमणो वहां से आता है, समणा या वमणा, यानी दोनों के लिए है। वमण का मतलब है जो बाहर से आए हुए हैं, और समण का मतलब है जो स्वयं में रहते हैं, यहां रहते हैं। तो बेसिकली जो मण होता है, मण माने होता है शब्द करना, साउंड करना, यानी मण जो लगा हुआ है, जैसे समण और वमण, इसको खास तौर से समझिए, क्योंकि ये समणा वमणा बहुत बार आएगा, या ब्राह्मणों और समणों बहुत बार आएगा, या वमणों और श्रमणों, यानी कि श्रमण भी बोलते हैं इसको, बहुत बार आएगा। तो मण माने क्या है? मण माने हैं टू साउंड, यानी कि साउंड करना। कैसे रहे? इट्स साउंड गुड्स, इट साउंड्स बेटर, कहते ना, जैसे कि अच्छी तरह से आवाज कर रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है। तो साउंड का मतलब है कि उससे उसकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो साउंड का आना का मतलब यह है कि अगर कोई वही मण है, वही मण का है कि वो बाहर की आवाज है, उसकी जो आवाज आ रही है वो बाहर की आवाज है, यहाँ के इस जगह के रहने की आवाज नहीं है। वमण वो व्यक्ति होता है जो एक समुदाय में बाहर से आता है, एक गांव में बाहर से आता है, एक मोहल्ले में बाहर से आता है, एक दफ्तर में बाहर से आता है, या एक देश में बाहर से आता है, तो बाहर की आवाज मानी जाती है, अंदर मोहल्ले की या परिवार की या शहर की आवाज नहीं है। जैसे एक देश के अंदर 20 अगर शहर हैं, तो अलग अलग शहर के लिए लोग कहते हैं ये मेरा शहर है, ये तुम्हारा शहर है, तो वो बाहर वाला शहर हो गया, ये अंदर वाला शहर हो गया। मगर अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम कहते हैं वो हमारा देश है और ये बाहर वाला देश है, तो ये वमण हो गया।
इससे जो आदमी आएगा वो घुमड़ हो गया। तो ये बाहर वाले को हमेशा जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि इसकी जो आवाज है बाहर की, इसको वर्ण बोलते हैं, और वही वही माने बाहर हो गया और मण माने आवाज हो गया, यानी बाहर की आवाज। और समण माने हो गया, से माने होता है निज पाली के अंदर स्वयं की आवाज, निज माने माई सेल्फ, ओन्स वन यानी कि हमारी खुद की, और मण माने होता है आवाज यानी, और जिसको अमण बोलते हैं, अमण का मतलब है ए मण यानी कि कोई उसके अंदर साउंड नहीं, शांत हो गया, अमन भी बोलते हैं बाद में इसको, तो अमण है या समण है या वमण है ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और वही चर्या और ब्रह्मचर्या दोनों एक शब्द है। ब्रह्मचर्या जो होता है वो संस्कृत भाषा है, उन्होंने अपने हिसाब से जो बाहर के लोग थे उसको बही को ब्रह्म बोलते थे, यहाँ के लोग बाहर वालों को बही बोलते थे, उन पे बही बोलना नहीं आया इसलिए उसको ब्रह्म बोलते थे, तो वो ब्रह्म करके बाहर की चर्या हो गई, और जो अंदर की चर्या है घर के अंदर की उसको जो चर्या बोलते हैं वो यहाँ के लोगों की चर्या रहेगी, जिसको समणोचर्या बोल सकते हैं या समणचर्या या श्रमचर्या या श्रमचर्या बोल सकते हैं या श्रमचर बोल सकते हैं, नाम इसका ऐसा पड़ता है। तो यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके पास अलंकार है, जिसके पास पोजिशन है, जो कहीं कोई ताकत रखता है, वो व्यक्ति भी भिक्खु हो सकता है तब जब वो सबको समता में और शांति में देखे, संत हो, संतों की तरह रहे, दंतों की तरह मतलब अपने आप को संयत करे, नियत रहे, स्थिर रहे, सबको समानता में देखे और समानता की चर्या करे, और जितने भी लोग हैं उनको दंड ना दे, चाहे वो प्राणी जैसे भी हैं, जो भी प्राणी हैं सारे के सारे उनको दंड ना दे, तो ऐसा चाहे बाहर का व्यक्ति है चाहे ऐसा यहाँ भारत का व्यक्ति है, वो भिक्खु है, वो अच्छा व्यक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, क्योंकि भगवान बुद्ध की इस गाथा के अनुसार इसमें बाहर के लोगों का भी जिक्र है और इसमें अंदर के लोगों का भी जिक्र है। तो उस समय दो तरह के लोग थे, एक समण और एक वमण, यानी वहीमण और समण, समण को बाद में श्रमण बोलते हैं और वहीमण को ब्राह्मण या ब्राह्मणों या वमण बोलते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam
गच्छामि तदियमपि संगम शरणं गच्छामि साधु साधु साधु। कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेश मिथ्याचार विरमणि।